आज हम बात नहीं करेंगे मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में, ऑफर के बारे में, फनल्स के बारे में, या फिर वी कैन से ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इसी एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 60 बिजनेस सीरीज जिसको देख के मैं तो बहुत कुछ सिखाऊं और मैं आपको एवरी सिंगल डे रिकमेंड करूंगा दैट यू शुड वॉच दी 7 बिजनेस सीरीज। और ये 7 बिजनेस सीरीज मैंने मल्टीपल टाइम देख रखी है एंड किसने काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रखा है मेरे लाइफ में टू लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इस वीडियो को मैं स्टार्ट विद सीरीज नंबर 1 जो कि अवेलेबल है Netflix पे, जिसका नाम है सूट्स, SUITS। आई मीन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो पिछले 3-4 महीने से तो आपने ये सूट्स वर्ड मेरे मुंह से बहुत बार सुन लिया होगा। ये सीरीज इतनी अमेजिंग है, इसमें 2 पर्सन है बेसिकली, हार्वी स्पेक्टर एंड माइक, एंड ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉ पे। तो हार्वी एंड माइक बेसिकली लॉयर्स हैं, ओके, एंड बेसिकली ये दोनों बहुत सारे केसेस सॉल्व करते हैं। माइक एक एक्चुअल लॉयर नहीं है, ये एक फ्रॉड होता है बेसिकली, एंड जो आपका हार्वी होता है ये एक गॉड डैम बैड एस बेसिकली लॉयर होता है। और बेसिकली की पूरी स्टोरी देख के कि ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं केसेस को, कैसे सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, एंड नेगोशिएशन, सेलिंग, आप बहुत सारे डिफरेंट स्किल्स सीखने वाले हो। तो एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल डे ये सीरीज नंबर 1 रहेगी। और मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैंने एटलीस्ट 4 टाइम्स इस सीरीज को कंप्लीट कर रखा है, जिसके अंदर मैं एटलीस्ट 11 सेशंस हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि मैंने अपने दोस्त को कम से कम लगातार 2 साल तक फॉलो अप किया था दैट यू शुड वॉच दिस सीरीज, दैट यू शुड वॉच दिस सीरीज, एंड जब वो फाइनली कन्विंस हो गया चीज देख के, उसने कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर में सारे के सारे सीजंस कंप्लीट कर लिए। Yes, you heard it right, 4 to 5 days के अंदर में 11 के 11 seasons उसने complete कर लिए, and जब उसने पूरा देख लिया, he was like, thank you bro, काश मैंने series पहले देख लिया होता। Communications, sales, negotiations, personality development and a lot of different things you will learn from this one series which is Suits, जो कि available है Netflix पे। Now we have a series number 2 जो कि available है Amazon Prime पे, जिसका नाम है Jobs। Yes, you heard it right, Steve Jobs वाला Jobs, okay? So guys, यहाँ बता रखा है Steve Jobs जर्नी के बारे में, उन्होंने कैसे एप्पल को स्टार्ट किया, उनको एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था बेसिकली, फिर बेसिकली वो दोबारा कैसे उस कंपनी के अंदर में आए। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीटली दिखा रखी हैं कि एक्चुअली एप्पल की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, स्टीव जॉब्स ने कैसे स्टार्ट किया था, उनके बेसिकली अप्स एंड डाउन्स कैसे थे। और ये बहुत ही अमेजिंग मूवी है, मैंने एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स को ऑलरेडी वॉच कर रखा है। तो सूट्स एक सीरीज है, जॉब्स बेसिकली एक मूवी है, विच 101% शुड वॉच अगर आप बेसिकली कोई एंटरप्रेन्योर हो या फिर आपको एक्चुअली कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, तो हाईली 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 रिकमेंडेड। देन वी हैव अ सीरीज नंबर 3 जो कि अवेलेबल है अगेन Netflix पे, इसका नाम है सोशल नेटवर्क। सो ये जो पिछली मूवी है ये कंप्लीटली बेस्ड है फेसबुक पे, यस, मार्क जुकरबर्ग भैया पे। तो एक्चुअली मार्क जुकरबर्ग को ये आइडिया कैसे आया कि उनको फेसबुक स्टार्ट करना है, स्टार्ट कैसे किया, कौन कौन बेसिकली दोस्त थे साथ में, एंड जो उनका एक दोस्त था बेसिकली उसने बाद में उसके ऊपर क्यों लीगल सूट फाइल किया था, एंड कैसे बेसिकली फिर उसको स्टेक मिला, पूरी कहानी बता रखी है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। तो पहले इन लोगों ने जो स्टार्ट किया था फेसबुक को, वो स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ अपने हार्वर्ड स्कूल के लिए, उनकी मेंबर्स के लिए। उसके बाद कैसे इन लोगों ने एक्सपेंड किया, कैसे इन लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई, कैसे प्रॉपरली न्यू लोग मिले, तो एक्चुअली ये बिलियन डॉलर नेटवर्क कंपनी बनी कैसे, ये आपको चलेगा इस सीरीज नंबर 3 में, जिसका नाम है दी सोशल नेटवर्क। एंड नाउ वी हैव अ सीरीज नंबर 4 जिसका नाम है प्लेलिस्ट, एंड ये भी अवेलेबल है आपके Netflix पे। तो गाइस, स्पॉटिफाई एक्चुअली कैसे स्टार्ट हुआ, ये पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री एक्चुअली काम कैसे करती है, म्यूजिशियन को बेसिकली पहले कैसे पैसे मिलते थे, और राइट नाउ हाउ दे एक्चुअली मेक मनी, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है स्पॉटिफाई ने। और स्पॉटिफाई कैसे कंपीट करने चला था बड़े बड़े जाइंट्स से बेसिकली, और कितने सारे बेसिकली उसको हर्डल्स आए फ्रॉम बिग जाइंट्स कंपनी, जिन लोगों ने उसको ट्राई किया बेसिकली मार्केट से हटाने के लिए, बट उसके बावजूद भी वो टिक रहे, एंड राइट नाउ इट्स अ बिलियन डॉलर कंपनी। So you should definitely watch this series, जिसका नाम है basically playlist, and you will gonna learn a lot about the music industry and actually कैसे ये हमारा Spotify start हुआ था। And here we have series number 5, जिसका नाम है The Founder। आपने बहुत बार बर्गर खा रखे होंगे, और बर्गर खा रखे होंगे तो मैकडोनल्ड्स के बर्गर आपने कभी ना कभी तो खा रखे होंगे, बट डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो ये मैकडोनल्ड्स है स्टार्ट कैसे हुआ। What if right में अगर आपको बोलूं कि जो ये मैकडोनल्ड्स है ये एक्चुअली बर्गर का बिजनेस नहीं है, इसका एक्चुअली रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो आपको सोच के ऐसा लगेगा बेसिकली। What if मैं राइट में भी आपको ये बोलूं कि जो मैकडोनल्ड्स है ये स्टार्ट हुआ था विद 2 ब्रदर्स, लेकिन बाद में जो इसके ओनर्स थे बेसिकली वो कोई और हो गए थे, जो कि इनके सिस्टम को देखकर काफी इंप्रेस हुए थे, और फिर इन्होंने काफी कुछ स्ट्रेटजी के थ्रू इन लोगों से वो बिजनेस को कंप्लीटली ले लिया था। ये सब कुछ जानने के लिए शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी, जिसका नाम है दी फाउंडर। एंड सबसे अच्छी चीज जो कि आप इस सीरीज से सीखने वाले हो, विच इज परसिस्टेंस, एंड ये कंप्लीटली इस मूवी में एक्सप्लेन कर रखा है।
सो हाईली 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 रिकमेंडेड. एंड गाइस नाउ वी हैव अ सीरीज नंबर 6 जिसका नाम है द वॉल फॉर वॉल स्ट्रीट. बाय द वे अगर आप 18 प्लस नहीं हो देन यू शुड नॉट वॉच दिस मूवी. बेसिकली थोड़ी सी ये राइट नाउ एडल्ट है बट इसमें प्रॉपर दिखा रखा है कि रॉबर्ट वॉल्फर्ट ने कैसे एक्चुअली पैनी स्टॉक को सेल करके मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर रखे थे. एंड गाइस एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दूंगा मैं, जो सेल्स स्ट्रेटजी उन लोगों ने यूज कर रखी है टू सेल पैनी स्टॉक्स जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं वो सेल्स एक्चुअली इंडिया में काम नहीं करता. सो डू नॉट ट्राई टू रेप्लीकेट दोज स्क्रिप्ट, डू नॉट ट्राई टू रेप्लीकेट देयर बिहेवियर एंड डू नॉट ट्राई टू रेप्लीकेट देयर अब्यूजिवनेस इन द इंडियन जोन बिकॉज वो चीज बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला. बट अगैन ये कंप्लीटली बिजनेस बेस्ड है एंड एक्जैक्टली हाउ देवर सेलिंग पैनी स्टॉक्स टू द पीपल, हाउ देवर मेकिंग millions of dollar and कैसे सब कुछ ये operate किया था Robert Belfort ने. So basically यहाँ से बहुत सारी चीज़ actually आप सीख सकते हो regarding sales के बारे में and basically business के बारे में. So highly 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 recommended and अगर आप 18 plus नहीं हो then you should not watch right now this Wall of Wall Street. And guys, last but not least, number 7 है. ये actually मैंने खुद right now अभी तक watch नहीं कर रखा है. मुझे काफी recommendation मिल रखे हैं. मैंने अपने list में लिखा हुआ है कि exactly मुझे देखना है. जिसका नाम है The Big Short. ये बिजनेस पे कंप्लीटली बेस्ड है 101% यू शुड डेफिनेटली वॉच. और डिज्नी हॉटस्टार पे आपके लिए कंप्लीटली ये अवेलेबल है एंड मैं खुद इसको देखने वाला हूँ. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू क्योंकि मुझे बहुत लोगों से इसका रिकमेंडेशन मिल रखा है. दैट्स वाई मैं आपको भी राइट में रिकमेंड कर रहा हूँ. एंड गाइस इन सारे में से अगर आप मुझे पूछोगे कि सर आपकी फेवरेट कौन सी है, सो गाइस लाइक आई डोंट वॉन्ट टू लाइक टैग एनी थिंग विद दिस वर्ड फेवरेट, ओके, बट फिर भी मैं बोलूंगा यहाँ पे सूट्स इज बेस्ट. मैंने सूट्स एटलीस्ट 3-4 times देख रखा है. स्टार्टिंग की जब आप एक दो सीरीज देखोगे ना आपको थोड़ा सा बेसिकली बोरियत महसूस होगी बट जैसे जैसे आप देखते रहोगे यू आर लाइक कंप्लीटली आप उसकी तरफ एडिक्टेड हो जाओगे एंड इट्स वर्थ वॉचिंग. अगर अपने आप टाइम देने वाले हो ठीक है तो इट्स लिटरली वर्थ वॉचिंग क्योंकि राइट नाउ मैं आपके मांग रहा हूँ कम से कम ये तो उसमें 11 seasons है, हर एक सीजन में कम से कम 8 episodes है तो 8-80 मान लो प्रॉपरली मतलब कि कम से कम अपने आप 80-100 hours देने वाले हो उस एक सीरीज पे. तो यू कैन डू सम बैक रिसर्च फ्रॉम योर साइड कि क्या जो सूट्स है ये वर्थ वॉचिंग है फिर नहीं है. बट अगर आप मेरे बिलीव करते हो देन 101% डेफिनेटली यू शुड वॉच. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय. बाय द वे गाइस लाइक आप भी बेसिकली पक चुके होंगे सेल्स मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सुनने सोचते तो आई थॉट केयर व्हाई नॉट टू क्रिएट अ डिफरेंट टॉपिक जो कि आपको एक्चुअली हेल्प करेगा आपके बिजनेस में बट विद अ लिटिल बिट ऑफ एंटरटेनमेंट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स. एंड गाइस लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको वीडियो कैसा लगा. सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड डू शेयर दिस वीडियो इन 1 group. सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स.